उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ साल्ट है टॉपिक आपका, वो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। बेसिकली क्या होता है, साल्ट को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि साल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं कि नहीं, साल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं कि नहीं। अगर वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं कि है तो उनके लिए अलग मेथड है, अगर इनसॉल्युबल हैं उनके लिए अलग मेथड है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं। कहते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ साल्ट्स, मेथड्स ऑफ साल्ट प्रिपरेशन, डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, के वो साल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं कि नहीं है, उनकी बेस पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, कुछ हैं कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं। कहते हैं टोटल 5 मेथड्स हैं साल्ट को प्रिपेयर करने के। इधर तवज्जो करें, साल्ट को प्रिपेयर करने के 5 मेथड्स हैं। कहते 4 मेथड्स ऐसे हैं जिनके जरिए सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर होते हैं, और एक जो 5वां मेथड है उनके जरिए इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर होते हैं। 5 मेथड्स हैं प्रिपरेशन की। पहले हम पढ़ते हैं सॉल्युबल साल्ट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं। ठीक है, टोटल मेथड्स कितने हैं? 5 मेथड्स, 5 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। उनमें से जो 4 मेथड्स हैं वो सॉल्युबल साल्ट प्रिपरेशन की मेथड है, और जो एक मेथड है वो इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करने के, इनसॉल्युबल साल्ट। अब ये 4 मेथड्स हैं, इनके जरिए जो साल्ट भी प्रोड्यूस होगा वो पानी के अंदर सॉल्युबल होगा, पानी के अंदर हल हो सकते हैं। सबसे पहले मेथड पढ़ते हैं। देखिए जो साल्ट है ना, साल्ट नेचुरल भी होते हैं, हम सिंथेटिकली खुद भी बना सकते हैं। ठीक है जी, जैसे NaCl नेचुरल है, मिनरल्स के अंदर मिलती है, बहुत सारे साल्ट हैं जो नेचुरली मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं, मादनियात के अंदर। कुछ हैं जो हम लेबॉरेटरी के अंदर तैयार करते हैं, सिंथेटिक भी। बेसिकली ना साल्ट की 3 टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, कहते हैं कि रिएक्शन करवा दो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। कोई एसिड लो, उसका मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो साल्ट। कैसे? एग्जांपल में देखते हैं। तो कहते हैं HCl लो, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दो। मैग्नीशियम इज अ मेटल, HCl इज अ एसिड, तो दोनों का जब रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, इसमें वो कहता है कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होती है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट किसकी? मेटल की हाइड्रोजन के साथ। इधर से मेटल हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगी, हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम लगा दो सिर्फ, बस यही आपने चेंजिंग करनी है। तो क्या बनेगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। पीछे क्या बची हुई? हाइड्रोजन, साथ हाइड्रोजन गैस बनती है H2, ये इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन है। एक तो ये तरीका है कि एसिड का रिएक्शन करवा दो मेटल के साथ, हमारे पास साल्ट बन जाते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं, कहते हैं कि जो सेकंड मेथड है वो है जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है ना, एसिड विद बेस। लेकिन जब एसिड और बेस में टॉपिक आपको स्टार्ट कराया था, उसमें आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, एसिड में भी बेस में भी, तो उनके रिएक्शन पढ़े थे। तो एसिड
और बेस को जब आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो एक न्यूट्रल स्पीशी बनेगी जिसे हम साल्ट कहते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। देखिए इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो मेन प्रोडक्ट क्या हमारा साल्ट, साथ उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो इसके रिएक्शन को हम देखते हैं, इस रिएक्शन को इधर HCl लेते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ क्या लेंगे बेस, बेस में आप ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके एक साल्ट बना देते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा पॉजिटिव, इस नेगेटिव के साथ आयनिक बॉन्ड बनेगा, सही है। तो आयनिक बॉन्ड के नतीजे में, रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो साल्ट होते हैं, और हर साल्ट के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है। मैंने आप कल बताया था कि जो भी आयनिक कंपाउंड है सारे के सारे साल्ट है। NaCl बना, पीछे क्या बचा हुआ है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, तो इनका रिएक्शन होके क्या बनेगा H2O वाटर का मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या बना साल्ट बना, इसमें भी साल्ट बना। साल्ट की प्रिपरेशन दो मेथड के जरिए होगी, और ये दोनों सॉल्युबल साल्ट्स हैं, ये दोनों वाटर सॉल्युबल साल्ट्स हैं, वाटर सॉल्युबल दोनों, दोनों वाटर सॉल्युबल है, मतलब इनको पानी के अंदर डालो तो इजीली हल हो सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, कोई टेम्परेचर ना दे, सिंपल हल करें तो हल हो जाएंगे। आपको क्या क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, ये दोनों मेथड कौन से साल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल साल्ट, क्योंकि हम सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दो मेथड्स हो गए, हम थर्ड मेथड को देखते हैं। ये थर्ड मेथड है, वो कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड क्या चीज है, मेटल के साथ कोई ऑक्सीजन लग जाए तो वो मेटल ऑक्साइड होता है। मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, उसके ऑक्सीजन लगा दो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा दो कॉपर ऑक्साइड, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है एसिड के साथ, तो हमारे पास साल्ट बनेगा। देखें एसिड मैं लेता हूं H2SO4, दिस इज किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, दिस इज मेटल साल्ट, कॉपर इज मेटल, मेटल ऑक्साइड कॉपर इज मेटल, साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या होगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सिंपल ये मेटल इधर से, ये पॉजिटिव केटाइन है, इधर से इनऑर्गेनिक नेगेटिव एनायन के साथ रिएक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, हमारे पास CuSO4 का साल्ट बन जाएगा, सल्फेट का साल्ट, कॉपर सल्फेट, दिस इज साल्ट, इसका नाम क्या होगा कॉपर सल्फेट। पीछे क्या बचा हुआ H2 एंड ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, सिंपल से रिएक्शन में। तीन मेथड हो गए, इन तीनों के जरिए हमने सॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस किया, ये भी वाटर सॉल्युबल साल्ट है, वाटर सॉल्युबल, लेकिन सिंपल मेथड है, इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड मेथड है, उसमें हमने एसिड का रिएक्शन करवाना है नाइट्रेट के साथ, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, देखिए नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करो, फोर्थ रिएक्शन विद कार्बोनेट नाइट्रेट है, कार्बोनेट रिएक्शन विद कार्बोनेट, कार्बोनेट्स क्या होते हैं जिनमें CO3 ग्रुप हो, याद है ना आपको CO3 वाले कार्बोनेट, NO3 वाले नाइट्रेट, SO4 वाले सल्फेट, सारे मैंने आपको बताया। तो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होगा, इसमें एसिड का रिएक्शन है, बेस क्या है, इसमें भी एसिड का रिएक्शन है जी,
HNO3 लिया हुआ आपकी बुक में, HNO3 का सोडियम नाइट्रेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। देखिए उसने एसिड लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका रिएक्शन करवा रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट हो गया, इसके साथ एसिड का रिएक्शन है, एसिड कौन सा है HNO3। जब रिएक्शन होगा और ये भी स्ट्रांग एसिड है, हमने इस टाइम जो भी एसिड लिए सारे स्ट्रांग एसिड है, एसिड स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग एसिड है, ये भी स्ट्रांग एसिड है। तो रिएक्शन जब होगा, ये सोडियम पॉजिटिव केटाइन है, ये नेगेटिव NO3 एनायन होता है, इन दोनों का रिएक्शन होगा, ऐसे बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड, सार्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड ही होता है, कोवेलेंट नहीं होता कभी भी, क्योंकि एक केटाइन होता है एक एनायन, केटाइन और एनायन के दरमियान हमेशा आयोनिक बॉन्ड होता है, और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस, जी क्या बचा हुआ है H, हाइड्रोजन बचा हुआ CO3, देखें CO3 से एक गैस बनती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे वाटर का मॉलिक्यूल बनता है H2। ये चार मेथड्स हैं जिसके जरिए हमने सॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर किए, ये भी सॉल्युबल साल्ट वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल साल्ट है। उसके बाद देखिए दो मेथड से बेसिकली, एक सॉल्युबल साल्ट प्रिपरेशन के मेथड, एक इनसॉल्युबल साल्ट के लिए, चार मेथड जो थे सॉल्युबल साल्ट के थे, चारों हमने पढ़ लिए, चारों में हमारे पास वाटर सॉल्युबल साल्ट्स है। उसके बाद एक आखिरी मेथड है पांचवा, जिसमें इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर होता है, वो कैसे होता है देखिए, समझो के फिफ्थ मेथड है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। देखिए इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन में हमने क्या करना है, हमने दो साल्ट लेने हैं, इधर से ही दो साल्ट ले लो आप, इधर से ही दो सॉल्युबल साल्ट लेके उनका रिएक्शन करवाना है, इधर तवज्जो करें, दो सॉल्युबल साल्ट लेके उनका रिएक्शन करवाएंगे तो आगे दो और साल्ट बनेंगे, उनमें से एक वाटर सॉल्युबल होगा, एक सॉलिड होगा जो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हम इन सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें होता क्या है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ एसिड रेडिकल विद बेस, कल मैंने आपको एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल पढ़ाए थे, शायद आपको याद हो, एसिड रेडिकल विद बेसिक रेडिकल, याद है नहीं है याद, देखिए एसिड रेडिकल वो जो एसिड से बने जैसे कि एनाइन सीएल, और बेसिक रेडिकल जो केटाइन होते हैं जो बेस से बने जैसे एनएओएच से बना था सोडियम। अब कहते हैं दोनों का एक्सचेंज होगा, अगर मैं दो साल्ट लेता हूं, अगर मैं एक आपकी बुक में कौन से लिए गए साल्ट, एक में सिल्वर नाइट्रेट लिया, एक में सोडियम क्लोराइड लिया है, तो सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन देखिए सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड के साथ, दोनों साल्ट है, AgNO3 भी साल्ट है, NaCl भी साल्ट है, दोनों सॉल्युबल साल्ट है, जब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो इस बात को समझना आपने कंसेप्चुअल, यहां बात मैंने कहा कि एक्सचेंज ऑफ एसिड रेडिकल विद बेसिक रेडिकल, देखिए ये जो सिल्वर है ये केटाइन है, और केटाइन हमेशा क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल होते हैं, ये कल आपको मैंने स्टार्ट इंट्रोडक्शन में बढ़ाया था, ये केटाइन है ये क्या होगा, बेसिक रेडिकल, बेस से बनता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से बनेगा, ठीक है। और इसके साथ ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, एसिडिक रेडिकल, इस बेसिक रेडिकल का, ये बेसिक रेडिकल है, क्लोरीन क्या है, एसिड रेडिकल, इन दोनों का एक्सचेंज होगा, देखिए इसका इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, एक ये साल्ट बन गया, ये भी साल्ट है, पीछे क्या बचा हुआ है सोडियम, ये भी सोडियम क्या है, बेसिक रेडिकल है, NO3 एसिडिक रेडिकल है, ये केटाइन ये एनायन सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सही है, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा NO3 के साथ, तो क्या बनेगा,
NaNO3। अब देखिए मेरा जो AgCl है ये सॉलिड फॉर्म है, तो इसके प्रिसिपिटेट बनते हैं, प्रिसिपिटेट्स को कहते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में चीज बन जाए, ठीक है। और ये एक्वस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और ये वाटर सॉल्युबल बनता है, वाटर सॉल्युबल, ये वाटर इनसॉल्युबल है। हमें वाटर इनसॉल्युबल साल्ट किस तरह मिलता है, जब दो वाटर सॉल्युबल साल्ट का रिएक्शन करवाएं उनमें एक वाटर सॉल्युबल बनेगा, एक वाटर इनसॉल्युबल बनेगा। इस तरह आपका फिफ्थ मेथड कंप्लीट हुआ। पांच मेथड से साल्ट प्रिपरेशन किए, हमने चार वाटर सॉल्युबल साल्ट प्रिपरेशन किए और पांचवा वाटर इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपरेशन किया। उसके बाद कुछ टाइप्स है साल्ट की, बेसिक तीन टाइप्स हैं, टाइप्स को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट की अकसाम काफी है, बस ये छोटा सा है, सिंपल ये तीन बातें बस ये देखो। टाइप्स ऑफ साल्ट्स, टाइप्स ऑफ साल्ट्स में क्या है, तीन टाइप्स हैं बेसिकली साल्ट की, तीन टाइप्स, एसिडिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट एंड बेसिक साल्ट। तीन टाइप्स ऑफ साल्ट, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक साल्ट। कहते एसिडिक साल्ट ऐसे साल्ट हैं जिनके अंदर स्ट्रांग एसिड हो, जो कैसे बने, स्ट्रांग एसिड, बस दो दो पॉइंट्स हैं इनके याद रखने, स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। और ये बेसिक होगा, इसमें स्ट्रांग बेस होगी, वीक एसिड होगा। बेसिक से याद करना, स्ट्रांग बेस, एसिड से स्ट्रांग एसिड, इसका उल्टा वीक बेस। अगर एसिड स्ट्रांग होगा बेस क्या होगी, वीक होगी, अगर बेस स्ट्रांग है एसिड वीक होगा। इसमें क्या होगा, स्ट्रांग बेस प्लस वीक एसिड। अब इन दो का जब रिएक्शन करवाएंगे जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट होगा, अब इनका रिएक्शन करवाएंगे साल्ट बनेगा एसिड साल्ट होगा। और न्यूट्रल साल्ट क्या होता है, दोनों स्ट्रांग होंगे, एसिड भी स्ट्रांग होगा और बेस भी स्ट्रांग होगा। देखिए इसमें क्या होगा, स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, दोनों स्ट्रांग होंगे। जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन करवाया इधर, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन, देखिए HCl भी स्ट्रांग एसिड है और NaOH भी स्ट्रांग बेस है, ये बेस है, ये स्ट्रांग एसिड है। इस रिएक्शन में जो हमारे पास साल्ट बनेगा NaCl, ये न्यूट्रल साल्ट होता है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, एक अमेजिंग बात है, जो NaCl साल्ट है ये न्यूट्रल है, इसीलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, हम एडिबल खाने में सवाल करते हैं, खाने पकाने में, कभी आपने AgNO3 डाला है, कभी आपने AgCl डाला है, नो, हमेशा आप क्या डालते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं टेबल साल्ट। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है, इसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट हैजर्डस नहीं होता, नुकसानदेह नहीं है, इसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। इसका और भी एक फायदा है कि ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी होता है, जल्दी डिजॉल्व होता है, तो इसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है।